जहां एक तरफ सरकार प्रधानमंत्री गरीब आवास योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं रायबरेली की ग्राम सभा व ग्राम पंचायत खीरो के बलभद्र खेड़ा गांव में इस योजना का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं गरीब बेचारे अपना परिवार लेकर आवास के लिए दर दर भटक रहे हैं। और वहीं बलभद्र खेड़ा गांव में कुछ ऐसे भी गरीब परिवार हैं जो कि बिना छत के छप्पर के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। खीरो ग्राम पंचायत में आज भी गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना से दूर रखा गया है। ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। खीरो ग्राम सभा के पूर्व प्रधान और BDO अफसर के लिए वहीं अंजू देवी पत्नी शिवकेश ने बताया कि हम कई सालों से प्रधानमंत्री आवास के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजू ने बताया कि कई बार पूर्व प्रधान से भी कहा गया और खीरो विकास खंड कार्यालय में भी जाकर शिकायत की, परंतु अभी तक कोई भी इस बात को ध्यान में नहीं ले रहा है। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा पात्रों ने। आंटी क्या नाम है आपका? हमारा अंजू नाम है। आपके पति का? शिवकेश। कहाँ पे रहते हैं आप? खेड़ा। मजरे? खीरो। आपको प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। कभी आपने प्रधान जी से शिकायत की है कि नहीं? शिकायत बहुत बार की है लेकिन दी नहीं उन्होंने। नहीं दी। कभी ब्लॉक में जाके शिकायत की? जी हाँ, ब्लॉक में भी फार्म डाला है। फार्म डाल, फार्म के कोई पैसे तो नहीं लिए कभी? नहीं, फार्म के पैसे तो नहीं लिए हैं लेकिन सुनवाई नहीं की है किसी ने। अच्छा, इस मकान में आप कैसे रहते हैं बारिश में? कैसे रहते हैं देख लीजिए, दो बच्चे हैं और बच्चों को कैसे रखे, कैसे रहें हम, यही दिक्कत है। कितने पला मकान गिर जाए, बच्चे दब जाए, हम मर जाए। क्या नाम है भाई आपका? राजेश्वर। कहाँ पर रहते हैं आप? बड़ी बंगला रखे हैं भैया, हम रहे कागज में। नहीं, कौन सा गांव लगता है आपको? बलभद्रगढ़। मजरे? खीरो। खीरो। आपको आवास अभी तक नहीं मिला? नहीं। प्रधान वगैरह तो प्रधानमंत्री आवास बांट रहे हैं? नहीं नहीं, तो प्रधान से बोले भी हैं तो वो लोग बस टाल देते हैं, कहते हैं अगले में देखेंगे, अभी ये चल रहा है वो चल रहा है, ये करते करते 2 साल हो गया, पूरा घर मेरा गिर चुका है। कभी आपने BDO अफसर ब्लॉक में जाके बताया BDO साहब से? एक बार यहाँ बताया भी, यहाँ आए भी थे वो लोग, हाँ यहाँ आए भी थे, फिर उसके बाद जो है फिर एक बार ऐसे आए थे बुलाने के लिए, तो वो भी नहीं कुछ हुआ। अच्छा, ये तो पूरा मकान गिर पड़ा है, रहते कहाँ इस समय? बस देखो ना, वही बंगला रखे हैं, उसमें रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, क्या करें।